गली गली में पूरा शोर है कि बीजेपी चोर है। हर घर में आज बच्चा पढ़ा लिखा बैठा है, स्पेशली लड़कियां पीएचडी कर करके औरतें बैठी हुई हैं। 28-28 साल जिंदगी के निकाल दिए हैं, लेकिन आज भी माँ बाप या आदमी के मोहताज है, हाथ फैलाने पड़ते हैं। तो क्या फायदा ऐसी सरकारों का? बीजेपी का एक ही फंडा है, जो इनके खिलाफ बोलेगा हम उसकी जुबान या तो जेल से बंद करेंगे या ईडी से बंद करेंगे। सारी औरतें, औरतों के साथ साथ सारे मर्द भी अपने सिर्फ घर पे ही नहीं, समाज में झाड़ू चलाने वाले हैं। बीजेपी वाले घर पे सो चुके हैं और आज उनकी नींद हराम हो चुकी है। क्या लगता है सीट निकाल देंगे सुशील गुप्ता जी? बिल्कुल निकाल जाएंगे। आज कुरुक्षेत्र लोकसभा की जो सीट है उसकी जीत का हो चुकी है। गठबंधन की सरकार आ जाएगी? बिल्कुल आएगी, 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 जरूर आएगी। 300 पार। गठबंधन सरकार की कितनी सीटें मानते हैं आप? 300 से पार जाएंगे। नमस्कार, आप कैथल ब्रेकिंग टीवी देख रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो जो भीड़ है, ये पेवा की है। आज पेवा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का रोड शो था और अभी उनका रोड शो शहर की तरफ गया है। आम आदमी पार्टी के कुछ वर्कर, महिला वर्कर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? मेरा नाम राजकौर गिल है, मैं हरियाणा स्टेट वुमेन विंग की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। कितना फर्क पड़ेगा अरविंद केजरीवाल का? सर फर्क क्या पड़ना है, आज जो यहाँ पे जश्न था, लोगों में जुनून था, आज कुरुक्षेत्र लोकसभा की जो सीट है उसकी जीत का हो चुकी है। लेकिन बस 4 जून को सिर्फ ऐलान होना बाकी है, ऑफिशियली आज जीत हो चुकी है। बीजेपी वाले घर पे सो चुके हैं और आज उनकी नींद हराम हो चुकी है। वो 400 पार की भीख मांग रहे हैं लोगों से, लेकिन हम इतने चैलेंज से कह रहे हैं कि सेंटर में इंडिया गठबंधन सरकार आ रही है और आम आदमी पार्टी के समर्थन के बिना सेंटर में सरकार नहीं बनी। नहीं, जैसे अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, जमानत पर आए हैं, उनके बाहर आने का कितना फर्क पड़ेगा? जैसे रोड शो भी निकाल, देखो वो पार्टी सुप्रीमो है, वो ईमानदार, कट्टर ईमानदार नेता है। उनके साथ जो बीजेपी ने धक्का करा, उनकी ईमानदारी के साथ धक्का करा, वो लोगों तक पहुंच चुका है। क्योंकि बीजेपी का एक ही फंडा है, जो इनके खिलाफ बोलेगा हम उसकी जुबान या तो जेल से बंद करेंगे या ईडी से बंद करेंगे। केजरीवाल जी के ऊपर ईडी का कुछ नहीं बन सकता, वो कट्टर ईमानदार है और धक्के से उनसे डरते हैं, इसीलिए उनको जेल से बंद करा। लेकिन वो हमारे जो स्टार प्रचारक हैं, वो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने पंजाब में मुफ्त बिजली दी, दिल्ली में मुफ्त बिजली दी, इतने युवाओं को नौकरी दी, शिक्षा के खिलाफ लड़ने वाले लोग, हेल्थ के खिलाफ लड़ने वाले लोगों को बीजेपी जेल में डाल दिया। लेकिन लोग जाग चुके हैं, अब लोगों को जागरूक करने की जरूरत नहीं है, लोग जाग चुके हैं और गली गली में पूरा शोर है कि बीजेपी चोर है और बीजेपी का खोर किसान है। जो मैं भी किसान की बेटी हूँ, किसानी आंदोलन में रहे हैं, किसान इनको घरों में क्यों नहीं घुसने दे रहे, गोलियां मारी किसानों को, बहु बेटियों की इज्जतें रोली इन्होंने, तो उसका जैसी करनी वैसी भरनी, जो करा है वो भरोगे और 25 मई को लोग अपना फरमान है जो वो सुनाएंगे और आपको सत्ता से बाहर करेंगे। गठबंधन सरकार की कितनी सीटें मानते हैं आप? 300 से पार जाएंगे। 300 से पार बिल्कुल। और बीजेपी को जैसे आज केजरीवाल साहब भी कह के गए हैं, 32 दांत हैं उनके, मान साहब के भी 32 दांत हैं, 200 से ऊपर नहीं आएंगी उनको, 180 तक सीट्स आएंगी। और सेंटर में आम आदमी पार्टी के समर्थन के बिना सरकार नहीं बनेगी, आम आदमी पार्टी के समर्थन से ही सरकार बनेगी। नमस्कार जी, मेरा नाम एडवोकेट रुचिका पुरी है। केजरीवाल जी आए थे, रोड शो निकाला है, उन्होंने कहा पेवा में मेरी रिश्तेदारी भी है। हाँ जी। कितना फर्क पड़ेगा, मतलब पेवा की जनता कितना प्यार दे पाएगी? बहुत प्यार दे रही है, दे पाएगी नहीं, दे रही है। हम लोग 24 घंटों में से कम 18 घंटे ग्राउंड पर रहते हैं और दिन रात, कहने का मतलब सुबह निकलते हैं, रात को 12-1 बजे घर आते हैं। पब्लिक का प्यार है तभी तो हम लोग ग्राउंड पे रह रहे हैं। अगर हम लोगों के लिए बीजेपी की तरह बहिष्कार हो जाए, दरवाजे बंद हो जाए, हम ग्राउंड पर क्या करेंगे? तो लहर आ चुकी है, आज सारी औरतें, औरतों के साथ साथ सारे मर्द भी अपने सिर्फ घर पे ही नहीं, समाज में झाड़ू चलाने वाले हैं। नहीं मानते, जैसे हरियाणा में वोट मांगने के लिए आए आज अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन किसानों का एक मुद्दा है जो पुराना मुद्दा है, SYL। अब पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में ये अब बढ़ाने जा रहे हैं, दावा तो कर रहे हैं,
क्या लगता है ये मतलब पानी दे पाएंगे? पानी पे तो साफ इनकार कर जाते हैं। दे पाएंगे इंडिया गठबंधन मिलकर कुछ ना कुछ सरकार किसी न किसी पे। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया हरियाणा के हक में, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल इनकार। ये तो डिस्कशन होनी चाहिए, डिस्कशन होगी, पार्टी के जो मेन लीडर्स है वो बैठेंगे और फिर कंक्लूजन निकलेगा। कहने का मतलब है कि अगर हम ये सोचे कि कॉन्फ्लिक्ट से मतलब उसको मुद्दा बनाकर, जैसे आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया, बट अब ये लागू नहीं हो पा रहा, ये प्रॉब्लम है ना कि सत्ता लागू नहीं होने दे रही। डिस्कशंस होंगी, जब आपस में बैठेंगे तो किसी ना किसी सहमति पे तो पहुंचेंगे, कुछ उनकी मानेंगे कुछ हमारी मानेंगे, तो एक कंफ्यूजन पे पहुंच जाएंगे। क्या लगता है सीट निकाल देंगे सुशील गुप्ता जी? बिल्कुल निकाल जाएंगे सुशील गुप्ता जी, सीट अपने कार्यकर्ताओं की वजह से निकालेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। मुझे नहीं लगता, मैंने सच बता रही हूँ, मैंने आज तक इतने मेहनती और इतने ईमानदार कार्यकर्ता किसी पार्टी में देखे नहीं है। मतलब अपना खून पसीना ये लोग बहा रहे हैं, मकसद सिर्फ एक है कि गुप्ता जी यहाँ से जीत कर जाए। क्या अपील करना चाहोगे कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता से? मैं जनता से अपील करना चाहूंगी, स्पेशली खास तौर पर कुरुक्षेत्र लोकसभा में लोगों में, युवा पीढ़ी में, महिलाओं में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो एक साथ आकर एक ऐसी सरकार को चुनना पड़ेगा जो हमारे लिए सोचती है, जो हमारे अधिकारों की बात करती है, धर्म जाति बिरादरी की बात नहीं करती है, जो कहती है कि हम शिक्षा फ्री देंगे, जो कहती है बिजली फ्री देंगे। कहने का मतलब है जनता के मुद्दों की बात होती है। तो आम आदमी पार्टी तो दावा कर रही है रोजगार देने की, लेकिन बीजेपी की तो सरकार है और वो ये कहती भी है हमने बिना खर्ची और पर्ची के नौकरियां दी है। नौकरियां तो है, सरकारी पद खाली पड़े हैं। मानते हो बीजेपी ने नौकरियां दी है बिना पर्ची और खर्ची के? बीजेपी ने नौकरियां नहीं दी है, कि दी है? दी है नहीं, मैं मानता पूछ रहा हूँ आपसे ना, दी है या नहीं दी है? मैं आपको बताती हूँ, पेहवा में ना हर घर में आज बच्चा पढ़ा लिखा बैठा है, स्पेशली लड़कियां पीएचडी कर करके औरतें बैठी हुई हैं, 28-28 साल जिंदगी के निकाल दिए हैं, लेकिन आज भी माँ बाप या आदमी के मोहताज हैं, हाथ फैलाने पड़ते हैं। तो क्या फायदा ऐसी सरकारों का? और आप कह रहे हो रोजगार दिए, रोजगार है तो दिखता क्यों नहीं समाचारों में या चैनलों में, क्यों दिखता है? मानते हो मतलब गठबंधन की सरकार आ जाएगी? बिल्कुल आएगी, तो आएगी आएगी जरूर आएगी, 300 पार। और मैं एक लास्ट मैसेज जनता को देना चाहती हूँ, जो विकास है ना जब होता है ना तो वो समाचारों में नहीं समाज में दिखता है। जब रोजगार मिलेगा ना या नौकरियां मिलेंगी, हर घर के बच्चे में रोजगार होगा, ये नहीं होगा फिर सिर्फ वो समाचारों में दिख रहा है। तो इसलिए मैं लोगों से अपील करना चाहूंगी, मीडिया जो आजकल कहने का मतलब है सत्ता के दबाव में है, उसकी बातें सुनने के बजाय समाज के चारों तरफ झांको, आपको सच्चाई दिख जाएगी और उस आधार पर वोट देकर आना, देखकर वोट देकर आना कि आपकी मोटर बाइक में जो तेल है वो 40 से कितने का हुआ, आपका जो सिलेंडर है वो 400 से 1150 का हुआ। अपने बच्चों के भविष्य को देखकर, उनको याद कर वोट का, जब वोट के लिए जाओगे तो सही बटन दबाना।